नाइन्थ ए सॉरी नाइन्थ सी क्लास सेक्शन आपका जो है वो नाइन्थ सी है। ये वीडियो आपका चौथे चैप्टर का है। देखिए आपका सिलेबस जो मैंने 6 मंथली का आपके साथ डिस्कस किया था, वो सिलेबस आपके पहले 6 चैप्टर्स हैं 6 मंथली के लिए भी। तो अब हम चौथा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। 3 चैप्टर्स के मैंने न्यूमेरिकल्स भी आपके लिए कर दिए हैं और थ्योरी पोर्शन भी पूरा डिस्कस कर दिया था। तो ये चौथा चैप्टर है और चौथे चैप्टर का ये पहला पार्ट है, ठीक है। तो चौथा चैप्टर क्या है, इसका नाम है प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। इसमें जो पहला पार्ट है वो ये है कि व्हाट इज प्रेशर, फ्लूइड्स में प्रेशर कैसे होते हैं। अब चलो इसको पूरा समझने के पहले मैं तुम्हें बताऊं, मैटर, देखो मैटर 2 टाइप के होते हैं। अगर ब्रॉडली क्लासिफाइड किया जाए तो मैटर को हम सॉलिड और सॉलिड, डज नॉट फ्लो है ये, डज नॉट फ्लो, ये सॉलिड के लिए है, ठीक है बेटा। तो ये तो सॉलिड हो गया, ये फ्लो नहीं करता। फ्लो करने का मतलब जैसे पानी बह रहा है तो पानी की तरह बहेगा नहीं। फिर मैटर की दूसरी क्लास हो सकती है, मैटर एक दूसरी क्लास में हो सकता है। सॉलिड के साथ साथ आपको यहां पर लिखना होगा फ्लूइड। अब फ्लूइड की क्या खासियत है, फ्लूइड क्या, जैसे ये डज नॉट फ्लो है तो ये फ्लो करता है। ये क्या करता है बेटा, ये फ्लो करता है। अब ये टू फ्लो, इसको फ्लो करना अलाउ है, टू फ्लो। अब ये फ्लो फ्लूइड की 2 क्लास हो सकती है, एक क्लास में लिक्विड और एक क्लास में गैसेस। अब क्या फर्क है, देखिए पानी का बहना और आपका परफ्यूम छिड़कना दोनों फ्लो है, लेकिन पानी का बहना आपको दिखाई दे रहा है जबकि आप परफ्यूम यहां छिड़कते हैं और पूरे कमरे के अंदर परफ्यूम की महक पहुंच जाती है। क्यों पहुंच गई भाई, क्योंकि परफ्यूम आपको हाईली कंप्रेस्ड लिक्विड है जिसको आपने स्प्रे किया तो गैसियस फॉर्म में बाहर निकला। तो गैस जो होती है वो लिक्विड के कंपैरिजन में ज्यादा फ्लो कर सकती है। हमने यहां पर ये क्यों बताया, व्हाट इज द पर्पस टू डिस्कस दिस, कि मैटर की 2 स्टेट, एक सॉलिड और एक फ्लूइड। सॉलिड जो फ्लो नहीं करते, फ्लूइड्स उनको कहते हैं जो फ्लो करते हैं, जो क्या करते हैं वो लोग फ्लो करते हैं। अब फ्लो करने वाले 2 हो सकते हैं, कौन से, लिक्विड और गैस। तो जो आपने क्लास 6 में पढ़ा था वही चीज हमने यहां पर क्लासीफाई की, लेकिन जरा दूसरे डिफरेंट वे में। वो डिफरेंट वे क्या था, हमने कहा कि भाई मैटर की 2 स्टेट, एक सॉलिड और एक फ्लूइड। अगर सॉलिड है तो वो कभी भी फ्लो नहीं करेगा और फ्लूइड है तो वो फ्लो करेगा। फ्लूइड का माने ही लैटिन में होता है टू फ्लो, तो फ्लो करने वाली चीजों को हम फ्लूइड के अंदर करते हैं। अब ये आप चार्ट बना लें, उसके बाद हम थ्रस्ट और प्रेशर बताएंगे। देखो थ्रस्ट और प्रेशर में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बस थ्रस्ट को ये कहा जाता है कि थ्रस्ट इज द फोर्स एक्सर्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। अब हम इसके बाद थोड़ा सा मैंने इंटरेस्टिंग बनाया है टॉपिक को, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने आपके सामने ये चीज कही। तो ये फ्लूइड जो हम पढ़ेंगे, ये प्रेशर इन फ्लूइड्स यानी लिक्विड में और गैसेस में कैसे प्रेशर होता है, कौन से लॉज होते हैं जिनको वो गवर्न करते हैं जिसकी वजह से इसमें प्रेशर होता है, और वो ट्रांसमिट कैसे करते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ये सब कुछ हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो फिलहाल पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक काम करते हैं, थ्रस्ट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज थ्रस्ट, देखो बेटा फोर्स के लिए ये कंडीशन नहीं लगाई जाती। आप जैसे मैं अपने सर पे ऐसे भी फोर्स लगा सकता हूं, 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 4 डायरेक्शन में ऐसे भी लगा सकता हूं, ऐसे, मतलब ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से हम फोर्स लगा सकते हैं। लेकिन अगर थ्रस्ट फोर्स का ही एक स्पेसिफिक केस है, क्या है, थ्रस्ट फोर्स का ही एक स्पेसिफिक केस है, इस केस के अंदर, इस केस थ्रस्ट जो फोर्स थ्रस्ट कब कहलाता है, जब वो एक स्पेसिफिक एरिया पे एक्ट करने लगे और वो भी कैसे, नॉर्मल डायरेक्शन में। तो थ्रस्ट की डेफिनेशन क्या होगी, थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस। थ्रस्ट क्या होता है बेटा, थ्रस्ट और कुछ नहीं, फोर्स ही है, थ्रस्ट एक्ट नॉर्मली, बस थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस। थ्रस्ट इज द फोर्स है तो बेटा ये फोर्स ही, लेकिन ये क्या, थ्रस्ट इज अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली, ये नॉर्मली एक्ट करता है, नॉर्मली ऑन अ सरफेस। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, ये थ्रस्ट हो गई।
अगर हम ये उंगली यू पॉइंट आउट करके यहां अपने सर पे ऐसे लगा रहे हैं तो ये थ्रस्ट है। क्या है? थ्रस्ट है। बस कंडीशन क्या है कि फोर्स हमारा जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। इसी को हम प्योर फिजिक्स की लैंग्वेज में नॉर्मल डायरेक्शन कहते हैं। थ्रस्ट इज अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली नॉर्मली ऑन अ सरफेस, ऑन अ सरफेस। ये थ्रस्ट की डेफिनेशन हो गई। ठीक। अब प्रेशर क्या होता है? तो थ्रस्ट बेटा एक्चुअली क्या होगा? अब इसको ऐसे समझ लो, जैसे तुम्हारे पास ये एक डब्बा है। ठीक। अब ये डब्बा अगर हल्का है तब तो आपको नहीं भारी पड़ेगा, लेकिन अगर यही डब्बा आप अपने सर पे उठाए हुए और ये एक लोहे का डिब्बा है, आयरन का डिब्बा समझ लीजिए, या फिर आपने कोई वेटेड चीज उठा रखी, तो आपको इसका पूरा वेट एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड दिखाई देगा। ये वेट है इसका, है ना? देखो बेटा, ये सरफेस है आपका। सरफेस के फोर्स किस एंगल पर एक्ट कर रहा है? पाई बाई टू एंगल पर एक्ट कर रहा है। तो जब पाई बाई टू एंगल पर एक्ट कर रहा है तो फिर ये क्या कहलाएगा बेटा? ये वेट ही यहां पे थ्रस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो थ्रस्ट का एक फार्मूला, आप थ्रस्ट को एक तरीके से आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। थ्रस्ट क्या होता है बेटा? थ्रस्ट एक्सर्टेड बाई अ बॉडी, थ्रस्ट एक्सर्टेड बाई अ बॉडी, थ्रस्ट एक्सर्टेड बाई अ बॉडी ऑन अ सरफेस, ऑन अ सरफेस, ऑन अ सरफेस इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के वेट के बराबर होता है, वेट ऑफ द बॉडी। ठीक। वेट ऑफ द बॉडी। तो व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस। जनरली ये क्या होता है? ये वेट ऑफ द बॉडी होता है, और वेट ऑफ द बॉडी परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, यानी नॉर्मल है सरफेस के, इसलिए आप उसे क्या कह सकते हैं? वेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? वेट कह सकते हैं। ठीक है। तो ये वेट हो गया, ये वो हो गया। अब थ्रस्ट क्या है भाई? थ्रस्ट चूंकि फोर्स है, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप लिखेंगे थ्रस्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग एसआई यूनिट न्यूटन। थ्रस्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग एसआई यूनिट न्यूटन। क्यों न्यूटन लिखा बेटा हमने? व्हाई आई राइट न्यूटन? इसलिए न्यूटन लिखा कि फोर्स की यूनिट ही न्यूटन होती है। अब थ्रस्ट क्या? थ्रस्ट भी तो एक फोर्स ही है। बस थ्रस्ट और फोर्स में फर्क क्या है? फोर्स आप किसी भी डायरेक्शन से अप्लाई कर सकते हो, थ्रस्ट हमेशा जिस सरफेस पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ये थ्रस्ट हो गया। ठीक। अच्छा, अब आपको चलते चलते ये भी इस बोर्ड पे लिख दूं, 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होती है। डाइन क्या है बेटा? CGS यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको थ्रस्ट समझ में आ गया होगा। थ्रस्ट और कुछ नहीं, एक फोर्स है। बस इस फोर्स के साथ स्पेसिफिकेशन क्या लगाया गया है कि ये जब भी एक्ट करेगा नॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये आप याद रखें। ठीक है। वीडियो को पॉज करके एकदम क्लियर स्क्रीन पर आप देख लें और इसे नोट कर लें जो जो मैंने बोला है। ठीक है। और ये सब कुछ आपको नोट करना है। तो अब हम मिटा रहे हैं क्योंकि अब हमें लिखना है आई हैव टू गोइंग एक्सप्लेन द प्रेशर, प्रेशर क्या होता है। ठीक है। थ्रस्ट आपके समझ में आ गया होगा। थ्रस्ट क्या है भाई? नॉर्मल एक्ट करने वाला फोर्स है जो किसी भी सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट करे। उसी फोर्स का नाम आप क्या रख देंगे? उस फोर्स का नाम आप थ्रस्ट रख देंगे। यूनिट ऑफ थ्रस्ट आपके समझ में आ गया। प्रेशर, प्रेशर की डेफिनेशन, द फोर्स या थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली इज नोन एज प्रेशर। लेट एफ इज द फोर, लेट एफ इज द थ्रस्ट एक्सर्टेड
ऑन एन एरिया ए नॉर्मली देन प्रेशर पी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये प्रेशर हो गया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर एंड द थ्रस्ट? थ्रस्ट के लिए हम एरिया को स्पेसिफाइड नहीं करते, सिर्फ ये कह देते हैं कि एरिया नॉर्मल है, फोर्स जो है वो नॉर्मली एक्ट कर रहा है। जब हम प्रेशर की बात करेंगे तो फिर हम उस स्पेसिफिक एरिया की भी बात करेंगे। जैसे आप एक कॉमन मिसाल समझिए कि जैसे आप कहते हैं आज बड़ा होमवर्क मिला, यहां पे मेरे दर्द हो रहा है, तो व्हाट यू हैव डन, यू पॉइंटेड आउट। तो जब आप फोर्स की एरिया को कन्फाइंड कर देंगे, जब पॉइंट आउट कर देंगे, तो वो फोर्स प्रेशर बन जाएगा। वो फोर्स क्या बन जाएगा? प्रेशर बन जाएगा। और ये यूजुअली नॉर्मल डायरेक्शन में लिया जाता है, इसलिए नॉर्मल ये थ्रस्ट कहलाएगा। नॉर्मल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को थ्रस्ट हम बता ही चुके हैं, वो थ्रस्ट होता है थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। जिस एरिया पर आपने अप्लाई किया है उसे आप क्या कहेंगे? प्रेशर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? प्रेशर कहेंगे। तो ये प्रेशर जो होता है, प्रेशर इज द इफेक्ट, प्रेशर इज द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट, इफेक्ट ऑफ द थ्रस्ट। ये थ्रस्ट का इफेक्ट है बेटा। प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट का इफेक्ट, मतलब आपने फोर्स लगाया तो वहां कुछ होना चाहिए ना। तो ये जो इफेक्ट को मेजर करता है, थ्रस्ट के इफेक्ट को जो मेजर करता है, वो है आपका प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो थ्रस्ट के इफेक्ट को मेजर करती है। किसको मेजर करती है? थ्रस्ट के इफेक्ट को मेजर करती है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, इसे आप थ्रस्ट कह सकते हैं, थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। ये आपका पहला फार्मूला है इस चैप्टर का। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक पॉइंट और नोट करने लायक हमको मिल गया। प्रेशर क्या है बेटा? प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है बच्चों? एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी हैविंग एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर, हैविंग एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। इसको यूजुअली किससे लिखा जाता है? वन पास्कल। क्या है ये? वन पास्कल। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इसमें आपको फार्मूलाज याद रखने, भी बहुत सारे फार्मूले इसमें आएंगे, लेकिन देखो बहुत आसान है। जो बच्चे याद करेंगे, जो बच्चे लर्न करके रखेंगे, उनके लिए ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो वन पास्कल की वैल्यू होती है वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वन पास्कल इज द प्रेशर। वन पास्कल को आइए डिफाइन कर लेते हैं, कैसे डिफाइन होगा? देखो जब भी किसी यूनिट को डिफाइन करना, इस यूनिट में दो यूनिट इन्वॉल्व है, फोर्स की यूनिट और प्रेशर की यूनिट। मैं तुम्हें अभी एक जनरल तरीका सिखा देता हूं कि किसी यूनिट को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो वन पास्कल इज डिफाइंड एज द, वन पास्कल इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड, एज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया वन मीटर स्क्वायर, ऑफ एन एरिया वन मीटर स्क्वायर बाय अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन एक्टिंग नॉर्मली ऑन इट, बाय अ फोर्स वन न्यूटन एक्टिंग नॉर्मली ऑन इट। ये देखिए, वन पास्कल इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया वन मीटर स्क्वायर बाय अ फोर्स वन न्यूटन एक्टिंग नॉर्मली ऑन इट। ये आपका क्या हो गया? ये आपकी पास्कल की डेफिनेशन हो गई। ये लिखने के लिए आ सकती है डिफाइन पास्कल। तो व्हाट इज पास्कल? पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। वन पास्कल इज इक्वल टू वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा साहब।
अब इसके बाद इसकी और यूनिट की हम बात करते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे। तो दो टर्म आपके समझ में आ गए होंगे, एक तो आपको समझ में आ गया थ्रस्ट क्या होता है, दूसरे आपके समझ में आ गया प्रेशर क्या होता है। प्रेशर थ्रस्ट का इफेक्ट है, थ्रस्ट एक फोर्स है जो कि किसी भी सरफेस पर नॉर्मली एक्ट करता है, उसे थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट। सो अब इसकी सीजीएस यूनिट अगर लिखी जाए तो देखो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, हम तुम्हें बता देते हैं कैसे लिखेंगे। अब 1 न्यूटन में होते हैं 10^5 डाइन और न्यूटन मीटर की पावर -2 और 1 मीटर में होता है 10^2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 10^2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी ये हो जाएगा 10^4 - 5 - 4 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, यानी 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10^-2। ये इसकी सीजीएस यूनिट आ गई। अच्छा, इसकी और भी बहुत सारी यूनिट है, जैसे 1 बार। 1 बार क्या होता है, 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10^5 पास्कल। एक यूनिट और आ गई इसकी। ठीक है, इसी तरीके से 1 मिली बार। 1 मिली बार इसका मतलब हुआ 10^-3 बार। ये सब न्यूमेरिकल में यूज होंगी इसलिए लिख रहा हूं, इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि आप त्रिविधि लिख के भूल जाएं। 1 मिली बार, 10^-3 बार, यानी 10^3 - 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज 10^2 पास्कल। 1 मिली बार की वैल्यू ये आ गई, 10^2 पास्कल। ठीक, अच्छा, तो ये और यूनिट आ गई। अभी और भी यूनिट्स हैं, जैसे 1 एटमॉस्फेयर, 1 ATM। ये पैसा निकालने वाला ATM नहीं है यहां पर, ये है 1 एटमॉस्फेयरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयरिक प्रेशर यानी ये आपके सर पर हवा का दबाव, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन योर ऑफ बॉडी इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर मॉलिक्यूल्स, ये हवा का प्रेशर होता है, एयर मॉलिक्यूल, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर मॉलिक्यूल्स, इसकी वैल्यू होती है बेटा 0.76 cm of Hg। थोड़ी देर के बाद हम इसका एक फार्मूला इंट्रोड्यूस करेंगे, तब हम आप उसे यहाँ वहां कैलकुलेट करना सिखाएंगे। फिलहाल आप इतना मेमोराइज रखिए कि 1 ATM की वैल्यू 0.76 cm of Hg होता है, और इसको हम लिखते हैं 1.013 × 10^5 पास्कल। तो एक एटीएम की वैल्यू यहाँ एक साथ लिख देता हूँ, 1 ATM यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जो होती है वो 1.013 × 10^5 पास्कल होती है। ये आपको याद रखना, यहाँ पर जो जो चीजें हमने दी हैं वो सब आपको याद रखनी है। जैसे इसकी एक और यूनिट यहाँ पे लिख दें, अब आप इसको बाद में नोट करेंगे, पहले ये पूरा बोर्ड नोट कर लेंगे, फिर जब उसके आगे बढ़ेंगे तो आप नोट। 1 टॉरिसन, टॉरिसली एक साइंटिस्ट हुआ करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट है, 11th में आप देखेंगे टॉरिसली थ्योरम भी पढ़ेंगे आप। तो टॉरिसली के ऑनर में प्रेशर की एक यूनिट 1 टॉरिसली भी बनाई गई। टॉरिसली, एक टॉरिसली जो होता है वो बराबर होता है 1 mm of Hg। ये जो टर्म हम बार बार लिख रहे हैं cm of Hg, mm of Hg, इसके बारे में थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे, है ना, इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो 1 टॉरिसली जो होता है 1 mm of Hg होता है, और 1 ATM जो होता है वो 761 atmospheric pressure जो होता है वो 760 torsely के बराबर होता है। टॉरिसली, ठीक, 760 torsely। ठीक है, अब तो ये था थ्रस्ट और प्रेशर और उसकी यूनिट्स। वीडियो को पॉज कर इसे भी नोट कर लीजिए। अब हम बताएंगे फैक्टर्स। बेटा
प्रेशर के फार्मूले में दो ही चीज है, एक तो है फोर्स और दूसरा है एरिया। तो फैक्टर्स ऑन विच फोर्स इज अरे प्रेशर इज डिपेंड, तो फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग द प्रेशर। यार एक बात बताओ, प्रेशर के फार्मूले में दो चीजें होती है, पी इज इक्वल टू एफ बाई ए, पी इज इक्वल टू एफ बाई ए। तो प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा बेटा? दो ही चीज पर तो डिपेंड करेगा, एक अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करेगा यानी थ्रस्ट पर, और दूसरा एरिया पर। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, एरिया ऑन विद द थ्रस्ट इज अप्लाइड। नीचे ज्यादा एरिया पे लगाओगे, ज्यादा एरिया पे लगाओगे सेम फोर्स को तो प्रेशर कम हो जाएगा, कम एरिया पे लगाओगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो किसी भी सरफेस पर एक दी हुई थ्रस्ट को, एक दिए हुए थ्रस्ट का इफेक्ट यानी प्रेशर घटाने या बढ़ाने का, घटाने के लिए क्या करते हैं हम, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, और बढ़ाने के लिए थ्रस्ट को, अरे प्रेशर को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, सरफेस को घटा देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब ये मैंने पूरा लिख दिया, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, द एरिया ऑन विच थ्रस्ट इज अप्लाइड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द थ्रस्ट। अब वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर क्या, जाहिर सी बात है अगर आपको थ्रस्ट दे दी गई है तो यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ थ्रस्ट, देन द ऑनली फैक्टर इज ए, इफ ए इज डिक्रीजेज देन प्रेशर विल बी इंक्रीज। यही लिखा हुआ है, फॉर द गिवन थ्रस्ट द प्रेशर ऑन अ सरफेस इज इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग द एरिया ऑफ द सरफेस ऑन विच इट इज एक्टिंग। अब अगर डिक्रीज करना है तो आप गिवन थ्रस्ट के लिए डिक्रीज वो तभी कर पाएगा जब आप क्या करें, आप सरफेस एरिया को बढ़ा दें। अगर आप सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं तो फिर थ्रस्ट डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज करने के लिए आप क्या करोगे, एरिया को घटाओगे। जैसे हमें जब कोई चीज ठोकनी होती है तो आपने देखा होगा कील की जो कील जो होती है उसका जो एंड पॉइंट होता है टिप, वो बहुत ही हल्का होता है। अब उसको ऐसे हम दीवार में रखते हैं और ऐसे ठोकते हैं तो वो अंदर चली जाती है, क्यों, क्योंकि आपने छोटे से एरिया पर थोड़ा सा फोर्स लगाया तो फोर्स अपॉन एरिया, एरिया कम होने के कारण, एरिया कम होने की वजह से क्या हुआ, वो ज्यादा उसके थ्रस्ट के इफेक्ट को जो कि प्रेशर है ट्रांसमिट कर गया और कील इंसर्ट हो गई इस टफ सरफेस में, कील इंसर्ट। जैसे ये दोनों कील्स यहां है यहां पर, तो ये कील नेल्स ऐसे ही गई है। तो जब भी हमें प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करना होता है एक गिवन थ्रस्ट के लिए तो हम एरिया को बढ़ा देते हैं और सॉरी घटा देते हैं, आई एम सॉरी एरिया रिड्यूस कर देते हैं, और जब हमें जब हमें थ्रस्ट के इफेक्ट को घटाना होता है तो फिर हम एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। जिस एरिया पर थ्रस्ट एक्ट कर रहा है उस एरिया को बढ़ाने से प्रेशर घट जाएगा और उस एरिया को घटाने से प्रेशर बढ़ जाएगा। ये वीडियो हम यहीं पर रोक रहे हैं, अगली वीडियो में हम ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड से संबंधित कुछ बातें करेंगे। इसमें जो हमने बताया उसे लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और आगे मिलिए, आगे फिर पढ़ते हैं इसके।